अल्लाह रही गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स असलकुम और यू ऑल ओपन योर जुगनू उर्दू पेज नंबर फाइव पेज नंबर फाइव फर्स्ट राइट डेट और डेट इज़ टुडे टुडे इज़ सिक्सटीन अप्रैल सोलह अप्रैल दो हज़ार इक्कीस सोलह चार दो हज़ार इक्कीस उसके बाद हम लिखेंगे जमात का काम क्या लिखेंगे हम जमात का काम लास्ट टू पेजेस में हमने पढ़ा कि बे और जीम की फैमिली को अलिफ से मिलाकर कैसे लिखा और पढ़ा जाता है पेज नंबर फाइव पे उसी पिछले वाले दो जो पेजेस थे हमारे पेज नंबर थ्री और फोर की एक किस्म की रिवीजन है ठीक है लेट्स स्टार्ट द रीडिंग बे अलिफ बा बे अलिफ बा, बा, बा बे अलिफ बा बे अलिफ बाबा टे टा टे अलिफ टा टा टे टा टे टा 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 पे अलिफ़ पा ते अलिपा अलिफ्ता पाता पे अलिफ़ पा ते अलिफ़ अलिफ्ता पाता बे अलिफ़ अलिफबा जी मलिपजा बाजा बे अलिफ बा जा अलिफ़ बाििपजा बजा चे अलिफा चे चा चाचा चे चा चा चा, 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 चा. जी मलिफ़ जा ते अलिफ़ जा ता जाता जी मलिफ जा ते अलिफ्ता जाता अब इनके नीचे आपको ये जगह खाली नज़र आ रही है ऊपर से इन्हीं अल्फाज को देखना है और इसी तरह आपने इनको नीचे लिखना है बे अलिफबा बे अलिफबा बाबा फे, ते अलिफ ते अलिफ ता, पे टे अलिफ्टा टे एलिफ्टा टाटा पे एलिपा ते अलफ्ता पाता अलिफ़ बा जीम अलिफ जा बाज़ा बान चे अलिफ चे अलिफ चा चाचा दिन जीम अलिफ जा ते अलिफ़ ता जाता इसी तरह आपने इन नीचे दो लाइनों में भी बे अलिफ़ बा बे अलिफ़ बा बाबा और यहाँ पे भी आपने बे अलिफ़ बा बे अलिफ़ बा बाबा यहाँ पे आपने टे आलिफ्टा टे अलिफ्टा टाटा टे एलिफ्टा टे एलिफ्टा टाटा फिर पे पा, ते अलिफ्ता पाता यहाँ पे भी आपने इस लाइन के ऊपर लिखना है पे अल्पा ते अलिफ्ता पाता यहाँ पे बे बेअलिबा जी मजा बाजा इसके नीचे भी बाजा फिर इसी तरह यहाँ पे चे अलिश चाह चेलिश्चा चाचा यहाँ पे भी आपने चेयरिश्चा चे आलिश्चा चाचा जी ते अलिफ्ता जाता जी मलिजा ते अलिफ्ता जाता लिखना है लिखते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ये एक ही लफ है इसलिए इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना जैसे बे अलिबा यहाँ और बे अलिबा यहाँ नहीं लिखना ठीक है इतना ज़्यादा गैप नहीं देना इनके बीच में जैसे मैंने आपको लिखवाया है और ऊपर लिखा हुआ है इसी तरह आपने प्रॉपर डिस्टेंस के साथ ऐसे करके ठीक है और ऐसे करके लिखना है एक साथ ठीक है एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं लिखना हम नीचे आ जाए नीचे कुछ गिवन है वर्ड्स इनको मिला के आपने पूरा लफ्स बनाना है ठीक है पे अलिफ पा ते अलिफ ता पाता जैसे पहला वो ये दिया हुआ है कि बे अलिफ बा जी मलिजा बाजा क्या बन गया ये बे बा जी मलिजा बाजा फिर यहाँ पे हम नीचे दूसरा वाला लफ देखेंगे क्या बन रहा है पे अलिफ पा ते अलिफ्ता पाता इनको मिला देंगे हम ये है मैच द तो कॉलम हो जाएगा पे अलिफ पा इसको किससे मिला गया? ते अलिफ्टा से तो क्या बन गया पाता अब हाँ नेक्स्ट देखें बे बेअलिफबा बे बा, बे बा बाबा क्या वर्ड्स बन गया बेअलिबा बे बा बाबा फिर इसको इससे मिलाएंगे तो क्या बनेगा टे अलिफ्टा टे अलिफ्टा टाटा टे एलिफ्टा टे अलिफ्टा टाटा नेक्स्ट पे आ जाए जीम अलिफ चाह ता, जा फिर यहाँ पे चे अलिफ चा चेलिस्लि जा जा, जाता और चे चेलिस चा चाचा छः चा, चा, चाचा और नेक्स्ट है जीम अलिफ जा ता जाता ओके okay? यह हमारा जुगन उर्दू का आज का काम है पेज नंबर फाइव का पहले आपने रीडिंग करनी है उसके बाद इन्हीं को देख के इनके नीचे अल्फाज इसी तरह लिखने हैं फिर इन मैच का तो कॉलम पे आ जाएंगे और इनको मिला के लफ्स बनाएँगे बा जी पे बाजा अलिफ पा ते आलिफ्ता पाता बेअलिबा बा बाबा टे अलिफ्टा टेलिफ्टा टाटा जी में लिफ जा तेलिफता जा चे लिफ चा चे लिपचा चा चा, चा। ये हमारा आज का जुगन उर्दू का काम है ठीक क्य अल्ला हाफ़